रैंकिंग बड़े एक सिंपल सा टॉपिक है, बस हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है और इसको हम लोग पढ़ेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो लेकिन शुरू करने से पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। सपोज हमारे पास किसी एक ग्रुप में हमें रैंक फ्रॉम बोथ एंड्स गिवन है, और हमसे बोलता है टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास रैंक फ्रॉम वन एंड अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल हमेशा क्या आता है, टोटल इज गिवन टू अस एज रैंक फ्रॉम फर्स्ट एंड प्लस रैंक फ्रॉम सेकेंड एंड -1। तो ये हमारा रूल नंबर वन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बोले कि देर इज सम मिस्टर एक्स ही स्टैंडिंग एट 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 10th फ्रॉम राइट एंड, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वी कंसिडर मिस्टर एक्स इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज एट द 7th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका मतलब मिस्टर रैंक से पहले 6 लोग हो रहे हैं, एंड फ्रॉम द राइट हैंड अगर हम देखें तो उनका रैंक है 10, इसका मतलब उसके बाद 9 लोग हो रहे हैं, या राइट हैंड साइड से उससे पहले 9 लोग और थे। तो जब हम टोटल की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल 6 लोग प्लस मिस्टर एक्स 1 और प्लस 9 लोग और, डेट इज 16 नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर। ये हो गया एक तरीका, और जो हमने रूल लिखा हम इस रूल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, रैंक फ्रॉम वन साइड इज 7, रैंक फ्रॉम अदर साइड वॉज 10 और -1 कर दीजिए, दिस विल गिव यू 16। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ दीपिका इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम फ्रंट एंड एंड 18th पोजीशन फ्रॉम बिहाइंड, और हमसे पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। स्टैंडिंग इन द रो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू सी तो हाँ स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, तो
position from front plus position from behind minus one हो जाएगा, यानी this thing will be equals to, आप directly ले सकते हैं 11 plus 18 minus one, it is 29 minus one equals to 28 people. ये हो गया एक तरीका, या दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते थे कि दीपिका इज स्टैंडिंग दीपिका से पहले थे हाउ मेनी पीपल, देयर वर 10 पीपल बिफोर दीपिका एंड 17 पीपल बिहाइंड दीपिका बिकॉज दीपिका इज 18th फ्रॉम बिहाइंड. तो ये हमारे पास ऐसे आ सकता था 10 पीपल बिफोर दीपिका 17 पीपल और यहाँ पे टोटल बना रहा था, दिस इंप्लाइज दैट टोटल वॉज 28. आपको जोन सा तरीका अच्छा लगता है आप उसको इस तरह से कर सकते हो. अब इसी तरीके से हमें सेकंड रूल भी मिल जाएगा, तो आप इसको जरा, आपको बस एक ये रूल याद रखना है, ओनली दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट. उसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है. तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग कर सकेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी और दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोलता है इन ए रो ऑफ बॉयज राम इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट. अब देखिए ये हमारे साइड से जो लेफ्ट हैंड ये है, तो इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट. Who is fourth from left? Ram is fourth from left. And Shyam is eighth from left. अब Shyam is eighth from left. अगर आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो कौन कौन से लोग हैं इन दोनों के बीच में, ये फोर है और ये एट्थ है, इनके बीच में तीन लोग हैं, फाइव सिक्स एंड सेवन. That is why हमारे पास ये जो रैंक दिया गया, this rank is given to us as 3. तो there are 3 people in between Ram and Shyam. अभी क्या है, third में क्या है, third में हमारे पास दिया गया है in a row of girls Sita is 6th from left and Geeta is, अब Sita is 6th from left and Geeta is 9th from right. अब बोलता है how many girls are there in between Sita and Geeta. एक तो हमें टोटल नहीं पता, जब तक टोटल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई इन लोगों के बीच में. और दूसरी बात क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि यह ऐसा भी हो सकता है कि Sita is 6th from left और गीता का जो 9th एलिमेंट है वो इसके इधर आ जाए, तो हमें इनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस भी नहीं पता, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. सो दैट इज व्हाई वी विल कंसीडर इट एज डाटा इनएडिक्वेट एज द आंसर फॉर अस. तो सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए डाटा इनएडिक्वेट है, और आपने मुझे पहले ही बता दिया कि इसका आंसर 7 है बिकॉज ये हमारे पास क्या रहा था, 4 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 7. तो क्वेश्चन को आपने कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आप यहां से देख सकते हैं एक साइड से 6 है, दूसरी टाइप से 34th है, तो 6 प्लस 4 माइनस 1 आंसर इज 39. सेकंड का जो रूल पढ़ा हमने, हमने पढ़ा टोटल कैसे हमें मिलेगा, पोजिशन फ्रॉम फर्स्ट एंड प्लस पोजिशन फ्रॉम सेकेंड एंड
minus 1. This was the earlier rule which by which we have done our questions. अब इसी रूल को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, टोटल प्लस वन माइनस पोजीशन ऑफ वन एंड गिव्स अस द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड. तो एक साइड का अगर टोटल पता है हमें, टोटल पता है हमें, एक साइड का पोजीशन पता है, तो हम सेकंड साइड का पोजीशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस थिंग. चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं. इन ए रो ऑफ थर्टी फाइव पीपल्स ऋषि's rank is 23rd from one end. Find his rank from the other end. तो हम इसको जनरली क्या करेंगे, विल बी जस्ट टेकिंग टोटल इज 35, रैंक फ्रॉम वन साइड इज 23 एंड रैंक फ्रॉम द सेकेंड साइड इज डायरेक्टली वी विल राइट इट एज 35 प्लस वन माइनस 23 दैट इज 36 माइनस 23 That is 13th rank. तो अभी आप ये दो क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 60, तो टोटल इज 60. नंबर ऑफ बॉयज इज हाफ ऑफ द गर्ल्स, सो बॉयज इज हाफ ऑफ द गर्ल्स और टू टाइम्स बॉयज इज इक्वल्स टू गर्ल्स. हियर बॉय प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू 60, बॉय प्लस टू बॉयज इज इक्वल्स टू 60 and boys is equals to 20. Therefore, girls is equals to 40. Now, boys mil gaye, girls mil gaye. Ab isne humse kya pucha? Isne humse pucha ki The rank of Harish from top is 17 and there are 9 girls ahead of him in the rank. Calculate the number of boys after Harish. Okay. Right. Chale ji, very good. Aap log try kar rahe hai sabhi. Phir bhi main ek bar bata deta hu ki Harish jo hai wo 17 pe hai. So there are 16 people before Harish and there are 43 people behind him. फिर ये बोलता है कि जो लोग आगे उनमें से 9 girls हैं, so 9 girls plus 7 boys plus Harish, और उससे पीछे कितने boys और girls हो जाएंगे, because total girls जो थी वो 40 थी, जिसमें से 9 पहले आ गई, तो ये 31 girls and 12 boys. Now आप पूछेंगे क्योंकि total boys जो हैं वो क्या हैं, वो 20 थे, तो 7 boys plus 1 Harish plus 1 and the 12 boys will be left. तो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज बिहाइंड हरीश इज 12। So 12 is the answer for us. Very right, you all. You all have given me the right answer. देखें जी, यहां पे बोलता है मधबा इज M. मधबा इज 14th फ्रॉम द बॉटम, यानी मधबा से पीछे 13 लोग हो रहे हैं. इन्हें इन्हें रैंक इन्हें क्लास ऑफ 64 बॉयज, तो इसका मतलब मधबा से आगे 50 लोग हो रहे हैं. तो इफ यू सी मधबा इज एट, मधबा का पोजीशन क्या है, मधबा का पोजीशन 51st है यहां पे. नाउ 51st ही रहेगा, नीचे कितने भी ऐड किए. अब इसने, हाँ अब एग्जैक्टली अब इसने बोला कि 3 पीपल आर एडेड इन इट इन द बॉटम, तो 3 लोग यहां ऐड हुए, तो यहां पे उसका रैंक 51st ही रहेगा. हाँ, अगर वो यहां से पूछता, फ्रॉम द बॉटम पूछता, ये टॉप वाली साइड है एंड दिस इज बॉटम वाली साइड, अगर ये बॉटम वाली साइड से पूछता तो जरूर इफेक्ट डाल रहा था, लेकिन टॉप से वो इट विल रिमेन सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एडिशन बॉटम में हुई है, टॉप पे कुछ भी नहीं हुआ. सो दैट इज वाई माई रैंक वुड बी 51, इट विल नॉट चेंज इवन दिस इन दिस केस. 14th में बच्चों क्या है, अब 14th में हमें बोल रहा है कि रैंक ऑफ सुजय इज 15th फ्रॉम बॉटम. ओके, तो सुजय इज 15th फ्रॉम बॉटम, मतलब सुजय से पहले जो बैक में है पीछे 14 लोग हो रहे हैं, एंड इन ए ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो 14 प्लस 1 15 और 10 लोग उससे आगे हैं. अब बोलता है फाइंड हिज रैंक फ्रॉम बॉटम इफ 3 न्यू स्टूडेंट विल बी एडेड टू द टॉप ऑफ द लिस्ट. अब 3 लोग यहां पे पुडा ले गए, प्लस सुजय यहीं पे रहा और 14 लोग उसके पीछे रहे. अब बोलता है व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम अगेन ये टॉप साइड है, दैट इज बॉटम साइड. अब जो एडिशन हुई है वो टॉप साइड पे हुई है, लेकिन ये बॉटम साइड से रैंकिंग पूछ रहा है, तो इट विल रिमेन सेम, बॉटम से कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. टॉप से पूछा होता तो पहले और अभी के मुकाबले, जैसे टॉप से अगर वो 11th रैंक पे है तो 3 लोग के ऐड होने पे वो 14th रैंक पे होता. सेम इज द केस ऊपर वाले क्वेश्चन में, जैसे वो हमारे पास 51st रैंक पे था, अगर इस तरह से देखते तो वो पहले 14th रैंक पे था और बाद में अगर हम 3 लोगों को और ऐड करते तो वो 17th रैंक पे हो जाता. तो ये फर्क पड़ता है हमारे पास अगर वो सेम साइड से उसकी पोजीशन पूछी जाती जहां पे एडिशन हो रही है. बट क्योंकि दोनों केसेस में जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया, दोनों केसेस में ये पोजीशनिंग जो थी वो ऑपोजिट साइड से पूछ रही थी, जहां एडिशन हुई थी उसके ऑपोजिट साइड पे, तो उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, चाहे हम लोग पहले वाला केस देख रहे हैं या चाहे हम लोग सेकेंड वाला केस देखते हैं. तो हमारा यहाँ पे भी जो आंसर रहेगा इट विल रिमेन 15, इट विल नॉट बी चेंज्ड. सो माय आंसर इज 15. ठीक है जी, फिर इतने रखते हैं आज, कल आपसे मुलाकात करेंगे और इसी टॉपिक को देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो करेंगे, नहीं तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.